हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे काइंड्स ऑफ फूड्स। देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ फूड्स। फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड्स। पोटैटो, राइस, चीज, बटर, शुगर आर एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड जिसमें ऊर्जा वाले पदार्थ हो, वो भोजन भोजन को बोलते हैं हम। आलू, चावल, पनीर, बटर, मक्खन, शुगर आर एनर्जी गिविंग फूड। ये जो भोजन है जो हमारी सेहत में एनर्जी और ऊर्जा प्रदान करता है। दे गिव अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड थिंक। हमें काम करने में, खेलने में और सोचने की शक्ति में भी हमारी मदद करता है। व्हेन वी डू नॉट हैव ए एनर्जी, वी फील टायर्ड। अगर हम एनर्जी वाला भोजन नहीं करते तो हमारी सेहत में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स मतलब जो हमारी सेहत को ताकतवर बनाता है। पल्स, फिश, मिल्क, मीट, एग्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। पल्सेस दालें, फिश मच्छी, मिल्क दूध, मीट जो मांस होता है, एंड एग्स अंडे आर बॉडी बिल्डिंग फूड। दे बिल्ट अप आवर बोन्स एंड मसल्स, दे हेल्प अस ग्रो। ये ऐसा भोजन है जो हमारे शरीर की हड्डियां में और मसल्स को मजबूत करता है। दे हेल्प अस ग्रो और हमें हमारी शक्ति को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्रोटेक्टिव फूड्स, दे हेल्प अस स्टे हेल्थी। दीज फूड्स प्रिवेंट अस द फ्रॉम फीलिंग सिक। वी शुड ईट फूड फ्रॉम ऑल दीज ग्रुप। फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो हम ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। इससे हमारी सेहत में जो होता है, हमारा सेहत काफ़ी अच्छा होता है, हम हेल्थी फील करते हैं और बहुत सारी बीमारियां से हम बच सकते हैं। वी शुड ईट फूड फ्रॉम ऑल दीज ग्रुप। हमें हर एक विटामिन्स लेना चाहिए, हर एक ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, हर एक फ्रूट्स खाना चाहिए, ताजो जो हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है।